वेलकम फ्रेंड्स अवर यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। दोस्तों आज मैं आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि मुझे पता चला है देवलाली कंटेनमेंट बोर्ड में जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया था तो उसका जो है एग्जाम डेट फिक्स हो चुका है 14 फरवरी के समथिंग। बच्चों ने मुझे काफ़ी कमेंट किए तो उन्होंने बोला सर मुझे प्रीशियर पेपर प्रोवाइड करवाइए हमें, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों पहली बात तो मैं आपको प्रीशियर पेपर के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। दूसरा जो है आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी क्यूरी थी सर जो है कंटेनमेंट बोर्ड का जो एक्ट है 2006 उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ जो है पढ़ने का मैटर प्रोवाइड करवाइए उससे रिलेटेड, क्योंकि हमें जो है एग्ज़ाम में कंटेनमेंट बोर्ड एक्ट 2006 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सब्जेक्ट में डाला हुआ हमारे एग्जाम सिलेबस में, तो उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको ये प्रीवियस जो है नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ मैं, तो इसमें आपका जो है पहला पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर का एक पोस्ट है और 18 से 28 ईयर्स इन्होंने एज मांगी थी, और ये जो सीट है आपकी रिजर्व्ड है ओबीसी कैटेगरी की। इसमें एसएससी एंड वन ईयर डिप्लोमा मांगा है। ठीक है कोर्स ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर रिकॉग्नाइज एंड इंस्टीट्यूट से। ठीक है और एक और चीज़ जो है बहुत से बच्चों की क्यूरीज है सर कंटेनमेंट बोर्ड में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर आईटीआई से किए हैं तो हम अप्लाई कर सकते थे उस टाइम पर, तो मैं दोस्तों बहुत वीडियो बना चुका हूँ आईटीआई एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से जो डिप्लोमा होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर का वन ईयर का, तो दोनों के बारे में बहुत वीडियो बनाए हैं, कम से कम 7-8 वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, मैंने साफ साफ बता रखा है। और जो आईटीआई उन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है, आईटीआई जो है छोटा होता है डिप्लोमा से। ठीक है तो उससे के रिगार्डिंग देखो मैं आपको बता दूँ, अभी यूपी में कंटेनमेंट बोर्ड में वैकेंसी आए थे तो वहाँ पर आईटीआई वाले बच्चों के जो फॉरम है रिजेक्ट कर दिए थे। ठीक है तो देखो मैं तो यही कहूँगा आप फॉरम अप्लाई करो, ठीक है चाहे वो आईटीआई वाले हो या डिप्लोमा वाले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो फाइनल डिसीजन जो होता है वो डिपार्टमेंट का होता है, उनको लेना है नहीं लेना है। ठीक है लेकिन फॉरम अप्लाई करना आपका बनता है। अगर मान लो आपने फॉरम अप्लाई नहीं किया और जिस बच्चे ने अप्लाई कर दिया आईटीआई से और उसको उन्होंने ले लिया तो आपको बाद में अफसोस होगा, तो कहीं पर भी वैकेंसी जाए आप अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है अब इसमें देखिए मैं आपको एग्ज़ाम सिलेबस दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको प्रीशियर पेपर के बारे में भी बात करेंगे अपन। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर ये आपके 14 फरवरी 2021 को जो है इन्होंने एग्ज़ाम डेट दे रखी है, ये असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर की 14 फरवरी को देवलाली कंटेनमेंट बोर्ड के अंदर ही होगा। ठीक है आपका दूसरा जो वैकेंसी था फार्मासिस्ट का था ये 28 फरवरी को होगा और देवलाली कंटेनमेंट बोर्ड में होगा, रिटर्न टेस्ट होगा यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, रिटर्न एग्जामिनेशन शेड्यूल है जो आप यहाँ पर देख सकते हो ये दिया हुआ है सिलेबस फॉर द रिटर्न टेस्ट ऑफ असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर। तो सिलेबस में क्या क्या आने वाला, ऑल सब्जेक्ट अप टू क्लास 10 क्वेश्चंस रिलेटेड ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस जनरल इशूज ऑफ एनवायरमेंटल इकोनोलॉजी बायो डिवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये सब दिया हुआ है। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दे रखा है कंटेनमेंट बोर्ड एक्ट 2006, तो इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आपका जो एग्ज़ाम रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो आपके 300 मार्क्स के ये सब्जेक्ट है पूरा। तो फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर फार्मासिस्ट में भी देख लीजिए यहाँ पर वही सिलेबस दे रखा है जो फार्मेसी से रिलेटेड होता है। ठीक है और इसमें भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और बात करते हैं आपको जो है कंटेनमेंट बोर्ड एक्ट से रिलेटेड पढ़ने का मैटर, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक सेकंड चैनल है ठीक है, उस पर कंटेनमेंट बोर्ड एक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो डालने वाला हूँ पूरा स्टडी मटेरियल, जिसको भी चाहिए आप मुझे टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको कंटेनमेंट बोर्ड एक्ट 2006 की, और थोड़ा सा मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड डाला हुआ था सब्जेक्ट में, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो अपना डिपार्टमेंट होता है एक, तो उसमें आपका रजिस्ट्रार होता है डिप्टी रजिस्ट्रार होता है ठीक है, उसके नीचे क्लर्क होते हैं और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं, मतलब पूरे जो स्टाफ होता है ठीक है, तो पूरे स्टाफ से रिलेटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है कमेटी होती है, कमेटी में कौन कौन सदस्य होते हैं ठीक है, और कमेटी कौन गठित करता है, उसका हेड कौन होता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है मतलब आपके एक तरह से बोलते हैं ना क्या बोलते हैं मतलब जॉब जो करते हैं तो जॉब जो है कितने इयर्स तक करते हैं ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं।
तो उसके अंदर सारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट है तो सारा उसमें प्रोसेस दिखाया हुआ था। तो इसी प्रकार जो है आपके यहाँ कंटेनमेंट बोर्ड से जो आपका इंस्ट्रक्चर है, एक तरह से मतलब सारे जो डिपार्टमेंटली सदस्य होते हैं और अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ठीक है, और इनके जो रूल एंड एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी सारा दे रखा है तो उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो क्वेश्चंस कौन से आएंगे ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको एक बार रूल सारे देखने पड़ेंगे, रूल से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कंटेनमेंट बोर्ड एक्ट 2006 से। तो थोड़ा सा मैं जो है आपको यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें दिखा देता हूँ कंटेनमेंट बोर्ड एक्ट से। तो आइए चलते हैं अपन आगे की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंटेनमेंट बोर्ड एक्ट 2006। तो इसी से रिलेटेड जो है आपके यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपके यहाँ पर क्या क्या पूछ सकते हैं थोड़ा सा जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर जो दे रखा है फर्स्ट में, तो ये दे रखा है आपके, देख सकते हो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखा है, सो टाइटल दे रखा है, एक्सटेंड कमेंसमेंट दे रखा है। चैप्टर टू में देखिएगा आप यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कंटेनमेंट बोर्ड, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 डिस्पोजल करके दे रखा है यहाँ पर, देखिए आप एक मिनट। कंटेनमेंट जो है फंड होता है एंड कंटेनमेंट डेवलपमेंट होता है फंड व्हेन एरिया कैसेज टू भी है कंटेनमेंट बोर्ड, और लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एक्ट। तो इन सभी से रिलेटेड जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सारे हैं, इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चैप्टर थर्ड से रिलेटेड कंटेनमेंट बोर्ड दे रखा है, और पावर द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ स्पेशली, तो यहाँ पर किसको क्या क्या अधिकार है वो सारी चीज़ पूछे जाएंगे। टर्म्स ऑफ ऑफिस मेंबर के जो है शर्तें क्या है उनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं, वैकेंसी इन स्पेशल केस से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। सीधी भर्ती करते हैं तो उसमें मतलब कितना क्या रिजर्वेशन दिया हुआ है, महिलाओं का रिजर्वेशन कितना है, ये सारे क्वेश्चन आपके इनमें से बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अदर जो है एफ्रीमेशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन करके आ सकते हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आ सकता है, ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ड्यूटीज़ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, अलाउंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर से रिलेटेड। दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके प्रेसिडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर थोड़े से जो मैं यहाँ आपको एक आइडिया दे देता हूँ, ड्यूटीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, अलाउंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर दे रखा है कितना क्या अलाउंस मिलता है, और यहाँ पर दे रखा है आपको 24 नंबर पर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो इसको अपॉइंट कौन करता है, ड्यूटीज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको कौन जो है अपॉइंट करता है, स्पेशल पावर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको क्या क्या पावर है, तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनकर के आप लोगों करके आते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को और इस ये कंटेनमेंट बोर्ड जो 2006 है इनको अपन जो है मतलब कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है एक तो केंद्रीय जो यूनिवर्सिटी होती है या केंद्रीय जो वैकेंसी जो होती है, ठीक है, जो कैंडिडेट जॉब लगते हैं तो उनको कितना प्रतिशत रिजर्वेशन होता है, ठीक है, एसटी कैटेगरी को, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। दूसरा जो है अलाउंस जो है कितना क्या मिलता है, दूसरी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है आपको मतलब भत्ते एचआर कितना क्या मिलता है, इनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है आपका। और यहाँ पर आपका सेक्शन में करके इलेक्शन दे रखा है, मेंबर्स दे रखा है, एम्प्लॉय दे रखा है, तो इनसे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ पढ़नी है, अगर आपको इनसे रिलेटेड जो है पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको परेशानी होती कोई ज्वाइन करने में तो आप पहले जो है टेलीग्राम पे अपना अकाउंट बना लीजिए, और अकाउंट बनने के बाद आप वहाँ पर सर्च मारिएगा पैरामेडिकल जॉब इन्फॉर्मेशन करके, आपको हमारा टेलीग्राम जो है शो हो जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। और आपको जो है हमारा सेकंड चैनल है उसको जो सब्सक्राइब करेगा उसी को ही मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, हर किसी को पीडीएफ नहीं मिलेगी। और जो प्रेशर पेपर है वो भी सबसे पहले अगर मिलेंगे तो मेरे पास मिलेंगे, आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो प्रेशर पेपर से रिलेटेड भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा प्रोवाइड करवाने की, लेकिन उसी कैंडिडेट को दूँगा मैं जो हमारे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसका लिंक जो
जो कैंडिडेट है मुझे सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसी को ही मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा, हर किसी को नहीं करवाऊंगा। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट है अपने चैनल पे जो है कम से कम 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो पैरामेडिकल जॉब इंफॉर्मेशन करके हैं, ठीक है। तो उस 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन सेकंड चैनल पे जो है ज़्यादा 120 कैंडिडेट ने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ सारे कैंडिडेट भी नहीं तो कम से कम आधे कैंडिडेट भी अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं उन्हीं को जो है यहाँ पर PDF प्रोवाइड करवाऊँगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगा, हर किसी को नहीं करवाऊँगा। क्योंकि देखिए थोड़ा सा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है हमें भी उसका रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, आशा करता हूँ आप हमारे दिव्य जानकारी संतुष्ट होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।